अस्सलाम वालेकुम मनाल फूड व्लॉग इन इस्लामाबाद में खुश आमदीद। मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज है सेकंड अफ्तारी, उसके लिए तैयारी कर रही थी मैं क्रीम फ्रूट चाट की, और ये बहुत मज़े का बनता है और सबका फेवरेट होता है, हमारे घर में सबका फेवरेट है। इसके लिए मैंने एक पैकेट क्रीम ले ली थी, क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, तो एक पैकेट क्रीम ले लें किसी भी ब्रांड की। उसमें मैंने एक टीस्पून भर के शुगर ले ली है, शुगर को मैंने पीस लिया था। किसी भी चीनी अगर आप डालेंगे तो उससे अच्छी, बहुत अच्छी बीट हो जाती है क्रीम, और बीट करके जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। बस आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए और घर की जो नॉर्मल चीनी होती है उसको आप पीस लें, और आपको मीठा जितना पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ऐड करें, और फ्रूट के हिसाब से आपने चीनी ऐड करनी है। जितना आपके पास क्वान्टिटी में फ्रूट होगा उतना आप ऐड कीजिएगा। ये मैंने 2 मिनट चला ली है, उसके बाद मैंने बस इसको, ये जब फ्लफ़ी सी हो जाती है तो मैंने इसको रोक दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, आप पैकेट वाला खुला कोई भी दूध हाफ कप डाल दें इसमें, और इस स्टेज पे आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मेरे पास अब मौजूद नहीं था, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा क्रीम फ्रूट चाट बन जाता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर मीठे में आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रूट पहले ही मीठा होता है तो ज़्यादा मीठा आप ना ही डालें तो बेहतर होगा। इसमें मैंने फ्रूट्स डाल दिए हैं, 4 बनाना ले लें, 2 एप्पल और 3 गावा ले लिए थे, कुछ अनार ले लिए थे मैंने थोड़े से, और खजूर। आप अपनी पसंद से जो भी फ्रूट आपको पसंद है, पपिया या मैंगो और अंगूर भी आप डाल सकते हैं, अंगूर का सीज़न नहीं है वरना वो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के जो भी फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें डालें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और छील के ऐड कर लें। बस जो बैटर मैंने रेडी किया था क्रीम का, अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रूट्स को और क्रीम के बैटर को, और ये बहुत मज़े का क्रीमी फ्रूट चाट तैयार होता है। आप इसको स्पेशल अफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं, और अफ्तारी के वक्त आप बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। बस इसको आप बनाकर फ्रिज में रख दें और ठंडा करके खाएं तो ये बहुत मज़े का लगता है। अब इसको हमने मिक्स कर दिया है, ऊपर से मैं खजूर डाल दूँगी और कुछ स्ट्रॉबेरी कट करके डाल दूँगी, और मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट भी आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास पड़े हों, किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, आप ऊपर से गार्निशिंग कर दें, और ये बहुत मज़े का बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।